सर पहला आपने देख रखा होगा कि रेफरल इंसेंटिव, जो भी आदमी ऐप को ज्वाइन करते हैं और 10 लोगों को रेफर करते हैं तो कंपनी 5 रुपया हर रेफर पे कमीशन देता है, पीडीएफ देता है। ठीक है सर, ये मिल जाएगा आप लोगों को, ये सबके पास पहुंच जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये रेफरल इंसेंटिव है, ये पहले नहीं था, ये अभी डेढ़ महीने से ये चालू हुआ है रेफरल इंसेंटिव। हम लोग के समय जब ज्वाइन किए थे तो ये इंसेंटिव नहीं था। रेफरल इंसेंटिव मतलब आपने किसी को रेफर किया तो 5 रुपया आएगा, और पहला 5 रुपया इच तो 50 रुपया कमाने का आपको मौका मिला है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन कमीशन सर हमारे पास 2 कार्ड है, एक सिर्फ रुपए का प्रीपेड कार्ड है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एक क्यू आर कोड है। इन चीजों के थ्रू अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा, और ये कंपनी नहीं दे रही है, ये रुपे कार्ड दे रहा है। रुपे कार्ड जो है इंडिया का कार्ड है, बाकी जितने भी कार्ड आप लोग यूज कर रहे हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेक्स कार्ड, डेनियस क्लब कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ये सारे विदेशी गेटवे है। जैसे हम यहाँ से ATM में से पैसा निकालते हैं या स्वेपिंग करते हैं, इनके जितने भी कमीशन बनते हैं इंडिया से बाहर पैसा चला जाता है। मोदी जी ने ये स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन कदम उठाया है, 2 सालों के अंदर में ये जितने गेटवे हैं इन सबको बाहर करने देना है, इसीलिए रुपे कंपनी को लॉन्च किया है इन्होंने, और रुपे कंपनी हम लोग को पैसा दे रही है ताकि हमें आदत हो जाए पैसा खर्च करने का। ठीक है, और कैशबैक के साथ मिलके ही 1% दे रही है, ये नहीं कि कैशबैक के बाहर जो रुपे का कार्ड है वो देगा, वो नहीं देगा। ठीक है सर, तो इसमें 3-4 चीज आता है, एक अमेजोन से भी आप खरीदारी कर रहे हैं तो सेल्फ ट्रांजेक्शन मिलेगा, आपके पोर्टल पे IIA शॉपिंग है सर, जिसमें हमारा सैनिटरी पैड है, पॉलिसी बाजार है, ब्लूटूथ स्पीकर है, इन सब के सेल्फ कमीशन है। ठीक है सर, क्लियर है, सेल्फ कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव, जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड उसपे 5 ट्रांजेक्शन आप करते हैं, 100 रुपए का मिनिमम ट्रांजेक्शन है, 5 बार अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5-5 रुपया पर ट्रांजेक्शन कंपनी आपको एज ए कमीशन आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। ये करने के पीछे लॉजिक यही है, अगर आप खर्च करने हैं तो आदत बन गई आपकी, 5 रुपए कमीशन होने से लोग मोटिवेट होंगे, तो भाई खर्च भी कर रहा हूँ 5 रुपए मिलेंगे। ये है कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव, जो रुपए का कार्ड लेंगे सर आप, सेल्फ कार्ड एक्टिवेशन समझाना, सेल्फ माने हुआ कि सो 5 बार, अच्छा 5 बार आप उस कार्ड को सेव करते हैं, 5 बार उस कार्ड को सेव करते हैं तो आपको एक ट्रांजेक्शन इंसेंटिव कंपनी की तरफ से मिलता है। क्या ऑप्शन है? 5 रुपए में 5 रुपए वो जुड़ गया ना आपके पास, आ गया ये तो पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा अभी 19 रुपए आए, पता नहीं मेरे को कहाँ से आए, मेरे को समझ एक दिन 15 रुपए आ गया, मेरे को नहीं समझ में आया, और ये 5 रुपए जो आ रहे हैं बिना काम किए हुए वो मेरे को बहुत मोटिवेट कर रहा है। 10 पैसे 5 पैसे कहीं ना कहीं से आ रहा है, मैं तो नहीं कुछ कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव क्या है सर, रुपए का कार्ड लिए आप, जो रुपए का कार्ड लिए सर, रुपए कार्ड जैसे लिया आपने, 5 ट्रांजेक्शन कर दिया, जितने भी रुपए कार्ड आप जैसे ज्वाइन किए, आपने 10 लोग 1000 लोगों को दिया, तो जितने भी कार्ड आपके डाउनलाइन के नीचे जाएंगे तो हर कार्ड के एक्टिवेशन के बाद 4 रुपया इंसेंटिव आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की तरफ से, कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव, क्योंकि कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, कार्ड ही हमारा अगला दिन का जिला है। ऑनलाइन के लिए बॉर्डर है आपके पास, मॉल है, पेटीएम मॉल है ना, जिससे कैशबैक मॉल है, क्योंकि अगर एक अमेजोन को खोल दूं मैं पोर्टल को तो पेटीएम बुझ जाएगा सर, अगर अमेजोन का पोर्टल खोल दें और उसमें जितने ब्रांड हैं और पेटीएम से हम उसकी कंपेरिजन करें तो पेटीएम छूट जाएगा उससे, क्योंकि अमेजोन में इतने ब्रांड है आपने देख चुके हैं। ठीक है, लेवल कमीशन समझना जरूरी है, जैसे 6 लेवल है हमारा, L1, L2, L3, L4, L5, L6, यहाँ पे 10 लोग आते हैं, यहाँ पे 10 लोग मिलके 10-10 को करेंगे तो 100 लोग आएंगे, 100 लोग 10-10 को मिलके करेंगे तो 1000 लोग आएंगे, फिर 1000 लोग 10-10 को करेंगे तो 10,000, 5वें लेवल पर 1 लाख, 6ठे लेवल पे 10 लाख,
टोटल टीम होगी 11,11,110 आदमी, ठीक है सर। हमारे पास इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है टीम बनाने का, 11 लाख से ज्यादा हम टीम नहीं बना सकते, ठीक है सर। अब ये लेबर कमीशन क्या बोलता है सर, कंपनी क्या बोल रही है, कैशबैक कंपनी कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे 100 रुपया है कमीशन कहीं से 100 रुपया है, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, 80 और 20 कैशबैक का, और ये L1 से L2, L3, L4, L5, L6। अगर यहाँ पे कमीशन आया सर, यहाँ पे कमीशन आया, तो यहाँ पे खरीदारी हुई और यहाँ से कमीशन आया, यहाँ से बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को मिलेगा, और जितना मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। जैसे मेरे डाउनलाइन के नीचे छठे लेवल पे खरीदारी हुई, तो छठे लेवल के ऊपर 6 लेवल जो भी होगा उन सबको कमीशन बराबर बराबर मिलेगा, चाहे खरीदारी को स्टेट लेवल में, साइड लेवल में नहीं, स्टेट में, क्लियर है सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से समझाऊंगा, ये मेन चीज है। ये 80 और 20 रुपीज जो होगा सर, 20 रुपया कंपनी में, 20 रुपया बोला कंपनी में, और ये 80 रुपया में ये हम लोगों को बांट देता है, कुछ पैसा स्टॉक में रख लेती है, क्योंकि यहाँ पे 3 कलम है हमारे पास, 1, 2, 3, कुछ पैसे इसी पैसे में से 10-20 रुपये मान लीजिए इस क्लब के लिए रखते हैं, क्योंकि इस डायरेक्टर्स क्लब में क्या है, चौथे लेवल पे 10,000 आदमी, इस लेवल पे 10,000 आदमी है, इसमें से आपका 90% कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, तो आप इस लेवल पे आते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है यहाँ से 20-20 रुपया, जो 20% का जो भी कमीशन होगा, तो अगर डायरेक्टर्स क्लब में आएंगे तो मंथ क्लोजिंग के समय में आपको जो जितने लोग डायरेक्टर्स क्लब में सबको इक्वली बच जाएगा। जैसे 1 लाख आ गया, 2 आदमी है तो 50,000 ठीक है सर। चेयरमैन क्लब क्या है, इसमें 1 लाख आदमी आते हैं, 1 लाख आदमी का 1 लाख आदमी है सर, 75% कार्ड एक्टिवेट होगा, इस पे 75% कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है सर, इसमें आपको अलाउंस मिलेगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्या क्या मिलेगा, लेकिन इसमें मंथली बेसिस पे आपको कमीशन मिलेगा, जैसे हाउस अलाउंस जो भी होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि पहुंचा ही नहीं कोई है, डिसाइड नहीं हुआ इसलिए। ये कैशबैक सोसाइटी क्लब है, इसमें 10 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी में से 50% कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, तो कंपनी हम लोग को 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ वर्थ का विला कैशबैक सोसाइटी क्लब बनेगी नोएडा एनसीआर के अंदर, पॉल्यूशन जहां कम हो, और वहां पे एक सोसाइटी बनेगी, और जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको परमानेंट वहां पे 2 करोड़ का विला दिया जाएगा, और दे ऑल आर द परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द कैशबैक कंपनी फॉर द लाइफ टाइम, वो भी काम करेंगे, उनके बच्चे भी काम करेंगे, उनकी वाइफ भी काम करेगी, क्योंकि ये इनका पैसा जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, तीसरे जनरेशन का। यहाँ क्लियर है सर, ये रुपए कार्ड और क्यू आर कोड यूजर्स कमीशन मैंने पहले बता दिया है आपको, इस पे कमीशन है 1%, ठीक है सर, बंद कर दे इसको।